सारा लंबा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हमारे बीच हमारे बहुत पुराने सर हैरी सर, बहुत टाइम बाद हमें मिले हैं और एक मौका दिया इन्होंने मैच खेलने का। यहाँ पे हम एक खुद आए, ये हमारे को मौका दिया। बहुत दिनों से हम याद कर रहे थे, लेकिन सर बड़े बिजी रहते हैं, बहुत चीज़ें बैटन क्रिकेट में और हैरी वुमेंस में बहुत इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है हमेशा। तो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। कुछ शब्द बोले मोटिवेशन के लिए, बच्चों के लिए। नमस्कार बेटा। खासकर वुमेन क्रिकेट, देखिए वुमेन क्रिकेट मैन माई सर जी एस हैरी, वुमेन क्रिकेट अकेडमी है पिछले 24 साल से। जितनी अब नई बन रही है चीज़ें, आप देख रहे हैं परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ भी नया ग्लैमर आ गया, पैसा आ गया, सब कुछ इन्वॉल्वमेंट हो गई, IPL आ गया, ये चीज़ें हमसे बहुत दूर जब हमने स्टार्ट किया सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसा आएगा। लड़ाई चल रही थी, संघर्ष चलता है, मैंने कहा था तो। पर ये जो चीज़ें हुई हैं ये आपकी डेवलपमेंट के लिए हुई हैं। पैसा आने का मकसद आपको एक दिशा मिल जाए, लाइव टेलीकास्ट होने का मतलब आपको एक दिशा मिल जाए कि मुझे भी TV पे आना है, वर्ल्ड में नाम कमाना है। उसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ता है, किस तरह से पहुंचा जाए। एग्जांपल अभी IPL में देखा आपने, मयंक यादव ने एकदम अपना नाम उछाल दिया, एकदम दो मैचों से ही। आपको मौका, ये प्लेटफॉर्म कौन सा मिल जाए, कहाँ मिल जाए ये पता नहीं, पर मैं इतना कहूँगा, सोनी स्पोर्ट्स के नाम से मशहूर थे ये, और सोनी साहब, मैं इन्हें सोनी जी कहता हूँ, इन्होंने भारतीय बॉलिंग को बहुत संभाला है, कई सालों से संभाला है। और जब से स्टार्ट हुआ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तब से हम इनके साथ हैं। सिर्फ सर्कमस्टांसिस क्रिएट होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, कोरोना भी बीच में आया आपके पास, और उसके बाद डेवलपमेंट धीरे धीरे फिर डेवलप हुई है। इधर जो अंपायर आपके शुभम हैं, ये इनका थैंकलेस जॉब होता है, पर ये आपका साथ देंगे, पूरा टाइम आपके साथ जुड़े रहेंगे। सबसे बड़ी बात इनकी है, फिर ग्राउंड मैन आपका, जिन्होंने विकेट तैयार करके दिया, मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ और आपको एक अच्छा वातावरण देने की कोशिश करते हैं। सबसे बात उनके लिए भी क्लैपिंग करनी चाहिए। ये लोग जो हैं, हम इवेंट्स कराते हैं, टूर्नामेंट्स कराते हैं, और बड़े बड़े टूर्नामेंट कराते हैं, छोटे भी नहीं, बड़े बड़े भी कराते हैं। तो कहने भाव ये है कि आप लोगों के लिए कराते हैं। आप बच्चे जितनी बड़ी लाइन नज़र आ रही है, हम इन्हीं में से चाहते हैं कोई ना कोई इतना बड़ा खिलाड़ी निकल के निकले यहाँ से कि हम भी याद रखें, अगर हम जिंदा रहते हैं तब तक, जब तक आप बनोगे, तो हम भी दूर से TV पे आके चाहे कमज़ोर हो जाएं, ऐनक लगा के देख लेंगे। समझ में आया कि ये प्लेयर हमारा, हमने हमारे साथ खेला था। आज हम विराट कोहली की बात देखते हैं ना, वो मेरे टूर्नामेंट बहुत खेला है। आपके नया नया लड़का यश धवन निकला, उसके दादाजी मेरे पास आते थे, भले ही यहाँ तैयार हुआ हो, पर वो भी मैच बहुत खेला। ठीक है, कहने भाव ये है कि कोई बच्चा कहाँ निकल जाए, इनमें से भी कोई निकल सकता है, इसमें भी बच्चे अच्छे हैं सारे। हमारी अपनी जो टीम है, हम कोशिश करते हैं अपनी टीम को, ये तो कॉलेज है, महिला कॉलेज है, इसलिए आपकी भीड़ ज़्यादा नज़र आ रही है। हमें प्राइवेटली वर्क करना पड़ता है, फ़र्क इतना है। तो प्राइवेट वर्क करना आसान नहीं है हमारे लिए, जो हम मेहनत करते हैं हम जानते हैं, पर उसका रिज़ल्ट आपकी अपनी मेहनत है, उसका रिज़ल्ट आपका अपना नाम है, तो वो डेवलपमेंट आपकी है। हम तो बैकबोन है आपके लिए, पीछे खड़े हैं, सपोर्ट कर देंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये मैच अरेंज करना कोई आसान थोड़ा ना है, इनसे कहा उनसे कहा तब जाके रिक्वेस्ट की बात होती है, कॉलेज से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है पीछे, तब जाके आपको ऐसी जगह मिलती है। ये कॉलेज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारती कॉलेज, और भारती कॉलेज में मैं शुरू से आता रहा हूँ, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है आना। बीच में मैंने बता दिया आपको, परिवर्तन जब आते हैं तो बहुत कुछ चेंज होता है। ये हॉस्टल बन गया आपका डेवलपमेंट, इधर से ये बिल्डिंग बन गई, पहले ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं दिखता था, खुला वातावरण था। तो इसलिए आप नए बच्चे हो और क्रिकेट में आए हो, आपका वेलकम क्रिकेट में है सोनी स्पोर्ट्स की वजह से। मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए। ये छोटी भी देखो लड़की हमारे साथ जुड़ी हुई है, इससे भी छोटी है मेरे पास, वो बहुत एक्टिव है, इससे भी अरोही नाम है उसका, बुलवाऊँ का, क्योंकि सब चीज़ें बदल गई, इसलिए ऐसा कुछ एकदम जैसे लड़कों में 4 साल के 5 साल के बच्चे खेल रहे हैं आजकल, लड़कियां भी शुरू हो चुकी हैं, क्यों? ड्यू टू मीडिया, ये मीडिया की डेवलपमेंट है, आपको सामने ले आए,
हर घर के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। एनीवे ज़्यादा ना बोलें तो आपका मैच है और ये मैच वन साइड बैटिंग है सर, वन साइड बैटिंग है तो एक टाइम के हिसाब से नॉट लेस देन 30 आवर्स एंड मोर देन मतलब मैक्सिमम 35 आवर्स एक टाइम के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको खिलाया जाएगा। ये टाइम उतना ही ले रहे हैं आपसे और आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी उसे करते हो। मिनिमम 30 आवर्स मैक्सिमम 35 आवर्स राइट, टाइम उतना ही हमारे पास आपको कितने देर में अकॉर्डिंग टू टाइम रूल्स रेगुलेशन से आप क्रिकेट खेलिए, स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट से क्रिकेट खेलिए और अपनी परफॉर्मेंस शो कीजिए, यही आपका गेम है। क्या पता कहाँ किसके लिए कोई बोलता रहे, तो इसलिए जब आपके लिए वो टीमें भी आती हैं खेलने कभी कभी, फिर हम आपके लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर देंगे, धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाती है और आप पहले तैयार हो जाइए अपने लोकल ग्राउंड्स पे, अपने आपको डेवलप कीजिए और उसके बाद हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज, और ऐसे ही जितने बच्चे नए नए हैं उनके लिए हम टूर्नामेंट करेंगे, स्टेट प्लेयरों के लिए ज़्यादा नहीं करेंगे। और आने वाले टाइम में अंडर 15 टूर्नामेंट कराने वाला हूँ गर्ल्स का, अब अंडर 15 कौन है ये मैं नहीं जानता आप वैसे, और फिर भी मौका उसमें ये भी दिया जाएगा कि जो बिल्कुल ब्रांड न्यू टीमें आएंगी, ब्रांड न्यू लड़कियाँ जो बिल्कुल सीख ली उनके लिए भी मैच अरेंज कर देंगे उसी का, ठीक है सर। सही कितना एक ग्रुप फ़ोटो ले लेंगे आपकी, ताकि हमारी यादें आपकी हमारी जो सारी यादें हैं ये वायरल हों और आपके चेहरे हमारे सामने नजर आए। आओ आ जाओ।